यहाँ पे देख रहे हैं मेरे पास दो ट्यूबलाइट है, यहाँ पे देख सकते हैं 2 फीट वाला ट्यूबलाइट है। तो इसके साथ सिंपल सा एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो ट्यूबलाइट है वो नॉर्मली घर में यूज होने वाले ट्यूबलाइट है, तो इसके पीछे का जो साइंस होता है वो बहुत कम लोग ही जानते हैं कि भाई ये जलता कैसे या इसके अंदर होता क्या है। तो इसी साइंस को फिर बदल करके और हम लोग नॉर्मल एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग का एक्सपेरिमेंट होगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखें और इस एक्सपेरिमेंट को इंजॉय करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे इसको नॉर्मली जला के देखेंगे कि ये सही है कि नहीं। तो जैसा कि देख सकते हैं ये जो ट्यूबलाइट है ये सही है और दूसरा वाला देख सकते हैं दोनों जल रहा है। तो इसका जो यहाँ पे यहाँ से इसको खोलेंगे ये अलग हो गया और यहाँ पे एक स्ट्रिप है एलईडी बल्ब का और यहाँ पे एक ड्राइवर है। तो ये दोनों चीज़ मिल करके एक ट्यूबलाइट बनती है और यहाँ से जो लाइट निकलता है वो इस डिफ्यूज़र के थ्रू ग्लो करता है और भी बेहतर तरीके से। तो यहाँ पे एक ट्यूबलाइट को हमने खोल लिया है। तो जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं दोनों स्ट्रिप और दोनों जो ड्राइवर है वो निकल चुका है यहाँ पे। तो इसके साथ अब क्या करेंगे, ये दोनों ड्राइवर को हम सीरीज पे लगाएंगे और बल्ब को भी सीरीज पे लगाएंगे और देखेंगे कि क्या इसके साथ सीरीज पे वो जलता है। तो इसको सबसे पहले तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरा दोनों जो ड्राइवर है ये ट्यूबलाइट का वो निकल चुका है और साथ ही साथ ये स्ट्रिप भी निकल चुका है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो ट्यूबलाइट होते हैं एलईडी वाले उसके अंदर क्या क्या यहाँ पे देखने को मिलता है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं उसका डिटेल बता देते हैं कि ये जो ड्राइवर है ये कुछ वोल्टेज यहाँ से निकलता है और जो वोल्टेज निकलता है तो ये स्ट्रिप पे जाता है, स्ट्रिप में बल्ब लगा हुआ होता है तो बल्ब ग्लो करता है। तो यहाँ क्या करने वाले हैं कि एक ही ड्राइवर के साथ दोनों स्ट्रिप क्या जलने वाला है, तो यहाँ पे ये चेक करेंगे और दूसरा क्या चेक करेंगे कि दोनों स्ट्रिप को एक साथ जोड़ेंगे और दोनों बल्ब को एक साथ जोड़ेंगे तो क्या जलेगा। और तीसरा जो एक्सपेरिमेंट होगा कि इसका जो ये ड्राइवर है इसका जो आउटपुट में जो पॉजिटिव नेगेटिव वायर है इसको इसका जो पॉजिटिव नेगेटिव और इसका पॉजिटिव नेगेटिव दोनों को सीरीज कॉम्बिनेशन पे हम लोग जलाएंगे और इसको भी इसका जो पॉजिटिव नेगेटिव है इसका भी पॉजिटिव नेगेटिव को सीरीज कॉम्बिनेशन पे जलाएंगे तो क्या ये नॉर्मली ग्लो करेगा। तो अभी इसको यही सब टेस्ट करने वाले हैं, तो वीडियो पे आप बने रहें। तो सबसे पहले यहाँ पे वायर को हम काट लेंगे, एक वायर दो वायर यहाँ पे कट गया। तो सबसे पहले इसको हम पैरेलल पे इसको टेस्ट करेंगे, दोनों को पॉजिटिव के साथ जोड़ देते हैं जो इसका जो ड्राइवर वाला जो यहाँ पे देख रहे हैं जो एलईडी ड्राइवर है जो ये ट्यूबलाइट का उसको पैरेलल पे हम कनेक्ट करेंगे इस प्रकार। तो दोनों एक साथ जुट गया। अब एक स्ट्रिप को एक साथ जोड़ेंगे मतलब एक ही पैरेलल के साथ एक, तब क्या ये ग्लो करेगा नॉर्मली, नहीं दोनों यहाँ पे एक नहीं दोनों को यहाँ पे जोड़ करके देखेंगे। अब यहाँ पे लाइन देंगे, देख सकते हैं थोड़ा लग रहा है कि लाइट कम है। अब एक और ड्राइवर को दोनों को एक साथ जोड़ेंगे तब देखेंगे कि क्या लाइट और भी तेज देती है। अब यहाँ पे देख सकते जो लाइट है वो थोड़ा सा बढ़ गया और नॉर्मल तरीके से ये जल रहा है। अब इसका जो कॉम्बिनेशन है इसको अब सीरीज पे लगाने वाले हैं और देखते हैं क्या होता है। पहला स्ट्रिप का पॉजिटिव दूसरा स्ट्रिप का नेगेटिव को एक साथ जोड़ देंगे। अब यहाँ पे जो इसका सीरीज का कॉम्बिनेशन था इसको जोड़ के देखते हैं क्या होता है एक साथ। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो नॉर्मली जो लाइट है वो अच्छी प्रकार से जल रहा है सीरीज पे भी ये दोनों ड्राइवर को एक साथ कॉम्बिनेशन करने के बाद,
लेकिन थोड़ा सा ये जो ब्लिंकिंग रह जा रहा है वो हमको लगता है कि हाई वोल्टेज के कारण वो ऐसा हो रहा है कि इस पे जो यहाँ पे जो लगा हुआ है सेंसर वो सही डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है सीरीज कॉम्बिनेशन पे। तो यहाँ पे तो मान सकते थोड़ा सा 10-5% का एरर है। तो इस एक्सपेरिमेंट से ये पता चला कि जो ट्यूबलाइट के सर्किट्स होते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन के सीरीज में वो प्रॉपर तरीके से काम करते हैं, लेकिन इंडिविजुअल अगर अलग अलग जलाया जाए तो बेहतर तरीके से काम करते हैं जैसा कि कंपनी वो बना के भेजती है। लेकिन ये तो एक्सपेरिमेंट था, हम लोग को जानना था भाई ये जल सकता है कि नहीं। तो जैसा कि आपने देखा जो रिजल्ट हुआ वो बहुत ही शॉकिंग था, और जो रिजल्ट था वो बहुत ही बेहतरीन था, जिस प्रकार हमने एक्सपेक्ट किया था करीब करीब वैसा ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अगली वीडियो तक नमस्कार।